दोस्तों, अगर आप लोग एंजल वन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो और चाहते हो कि आप लोगों को एंजल वन अकाउंट ओपन करने के साथ साथ 500 रुपए का बोनस मिले और आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाए, तो आप लोगों को एक छोटा सा प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आप लोगों को पहले यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों को पहले इस वीडियो को यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से देख रहे होगा, आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कर ले, यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा एंजल वन का। अगर आपने एंजल वन ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसे डिलीट कर दीजिए। आपको इस लिंक से यहाँ पर जाकर के एंजल वन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देखिए, मैं आपके सामने लिंक पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लोडिंग लेके आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल प्ले स्टोर पर और एंजल वन ऐप ओपन हो जाएगा। तो आपको पहले एंजल वन को डिलीट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आके इस लिंक से डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, वीडियो को फास्ट कर देता हूँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर ओपन कर लेना है इस ऐप को। ओपन करने के बाद गाइस आपको नीचे दो बटन मिला है, लॉग इन और साइन अप। आप लोग नया अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आपको साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। नीचे मैं सर्किल की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, और गाइस रेफरल कोड के ऑप्शन पर आपको कोड डालना है फुल कैपिटल लेटर में ABAMM। ये आप लोग डालेंगे ये कोड तो आप लोगों को इंस्टेंट आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप लोगों को 500 रुपए का बोनस मिलेगा अकाउंट ओपनिंग पर, और अगर आप लोग किसी को रेफर करते हो तो आप लोगों को 500 रुपए का वाउचर आएगा और आप लोगों को लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी डेट्स मिलने वाले। ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ये कोड डालने से। तो आप लोग ये डाल देना और नीचे ब्लू कलर के बटन पर क्लिक कर देना है, फिर ग्रांट परमिशन कर देनी है। देन गाइस इसकी परमिशन अलाउ कर दीजिए सारी जितनी ये मांग रहा है। फिर ये आपके मोबाइल नंबर पर भेजेगा OTP, तो आपको वो OTP यहाँ पर एंटर करना होगा। गाइस ये इंडियन गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है तो 100% ट्रस्टेड है, आप लोग यहाँ पर OTP डाल सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना नेम डालना है। गाइस आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोग सेम पर्सन का अकाउंट सारी डिटेल्स डालिएगा। जैसे राइट साइड आपको सारी डिटेल्स दिख रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स सब डालनी पड़ेंगी एक ही पर्सन की। अब यहाँ पर कोई भी जीमेल अकाउंट आप सिलेक्ट कर लीजिए अपने मोबाइल का जो आपको एंजल वन से कनेक्ट करना हो, तो आप कोई भी चूज कर लीजिएगा। इसे करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है, इसीलिए मैंने कहा था कि 18 साल से जो कोई ऊपर उसी का आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डालिए उस पर्सन का जिसका आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सारी डिटेल्स सेम पर्सन की डालिएगा। अब गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिया है पैन नंबर, इसके बाद नीचे ब्लू कलर के बटन पर क्लिक कर देना है आप लोगों को। नाउ गाइस आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाए डिजी लॉकर का। आपको यहाँ पर ये बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक कर देना है, और फिर ये ब्लू कलर का जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना है ऑथेंटिकेशन पर, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर डालना है अपना, आधार नंबर डाल दीजिए। आप जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उसमें आएगा OTP, आप लोग ऊपर उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट भी दिख रहे हैं, तो आप वो OTP फिल कर दीजिए और नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए ग्रीन कलर पर जो बना हुआ है। नाउ गाइस आप लोगों को डिजी लॉकर का यहाँ पर पिन डालना है। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का पिन यहाँ पर क्रिएट करने को भी आ सकता है, अगर क्रिएट नहीं है तो कोई भी पिन डाल दीजिएगा। अगर आपको अपना पिन याद नहीं है डिजी लॉकर तो फॉरगेट पिन का जो बटन है उस पर क्लिक करके फॉरगेट करके रीसेट कर लीजिएगा अपना पिन, फिर यहाँ पर डालिएगा। मेरे केस में मुझे अपना डिजी लॉकर का पिन पता है तो मैं वो पिन डाल देता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है वही पिन डालना है आप लोगों को, जो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो फॉरगेट पर क्लिक करके पिन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको ये डालना है। अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर पिन डाल दिया डिजी लॉकर का अपने, और डन के बटन पर यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना ग्रीन कलर से जो लिखा हुआ है। इसके बाद गाइस अब आपको यहाँ पर नीचे अलाव पर क्लिक करना है, ये सारी डिटेल्स दिख रही हैं, अलाव पर क्लिक करना है ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, दोबारा से बैंक अकाउंट नंबर डालना है, फिर IFSC कोड डालना है। ये तीनों चीजें आपको डालनी है। बैंक अकाउंट उसी का डालिएगा जिसका आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका अकाउंट इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाए और आपको 500 रुपए का बोनस भी बिल्कुल फ्री में मिल जाए। यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, मैं IFSC कोड भी डाल देता हूँ। ये डालने के बाद मैंने नीचे बटन पर क्लिक कर दिया, ये वेरीफाई हो रहा है, ये 10 से 15 सेकंड लेता है बस, और देखिए ये वेरीफाई हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पर ओपन कैमरा पर क्लिक करना है सेल्फी लेने के लिए, और एक साफ सी जिसका आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसकी एक साफ सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है। अगर आपका ये कैमरा ओपन ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेल्फी क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर नीचे ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद आपके ऑटो जनरेटेड ये साइन इसने दिखा दिया है। यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन मैनुअली का बटन दिख रहा है, मैं एरो की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ। आपको इस साइन मैनुअली पर क्लिक करना है। आप चाहे तो ऑटो रोटेट भी अपने मोबाइल का ऑन कर सकते हैं, ताकि आप लोग जैसे वीडियो देखते हैं यूट्यूब का, उस मैनर में आप लोग साइन कर पाए। मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ।
प्राइवेसी पर्पस के लिए मैंने साइन को थोड़ा ब्लर किया हुआ है, आपको फिंगर से साइन कर लेने हैं, जिसका अकाउंट खोले उसी का साइन करिएगा, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब वापस से हमारा सीधा हो गया मोबाइल। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना बैंक और मोबाइल नंबर दिख रहा है, आपके बैंक में ये मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यही डाल दीजिए, तो एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एफएनओ एक्टिवेट करने को कह रहा है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं प्रोसीड पर क्लिक करके, नहीं तो आप नीचे यहाँ पर डू इट लेटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड पर। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों के यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आएगा एक ओटीपी, वो आपको डाल देना है। और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लू कलर का जो बटन हुआ बना हुआ है कंसेंट का, इस पर क्लिक कर देना है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स दिख रही हैं आपकी, देन आपके मोबाइल नंबर में फिर से आएगा ओटीपी, ऊपर मोबाइल नंबर दिख रहा है जिसमें ओटीपी आएगा, आप फिल कर दीजिए इसे। फिल करने के बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है नीचे ब्लू कलर के बटन पर। अब गाइस आप लोगों को यहाँ पर अपना एनुअल इनकम डालना है। आप लोग एवरेज जितना यहाँ का एनुअल इनकम हो, अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो आप 1-5 लाख एनुअल इनकम डाल सकते हैं सिंपली। ये सिर्फ सम डेटा के लिए रहता है ऐप के, तो ये बेसिक डेटा है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दे, इससे कोई लेना देना नहीं आपके पैन कार्ड का। अब आपको यहाँ पर अपना बिजनेस टाइप सिलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, क्या है, तो वो चूज कर लीजिए और नीचे ब्लू कलर के बटन पर क्लिक कर दीजिए एम्प्लॉयमेंट टाइप पे। अब यहाँ पर आपको अपना फादर्स नेम डालना है, जेंडर डालना है और मैरिटल स्टेटस डालना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या हैं। जिसका आप अकाउंट खोल रहे हैं उसी की सारी डिटेल्स आपको डालनी है। अब मैरिड स्टेटस चूज करके आपको नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। देन गाइस आप लोगों को नॉमिनी के लिए डू इट लेटर कर देना, आप बाद में भी नॉमिनी जोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप ऐसे ही अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब आपको ये नीचे ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म दिख रहा है, आपकी फोटो वगैरह लगी होगी इसमें, सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है नीचे। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पर देखिए आधार नंबर मांग रहा है, तो आपको आधार नंबर फिर से डाल देना है, जिसका आप लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका आधार नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। फिर यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए, ये टिक करके ये बॉक्स को मैं एरो की हेल्प से आपको दिखा रहा हूँ। फिर ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका आधार से लिंक है उस पर, फिर से आपको ओटीपी डाल देना है। और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है इस बटन पर। फिर गाइस ये थोड़ा लोडिंग लेके देखिए लिख के आ गया वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट। अब आपको 3 वर्किंग डेज वेट करना है। अब 3 वर्किंग डेज के बाद आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पर आएगा एक एसएमएस एंजेलवा की तरफ से, मेल भी आएगा जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एसएमएस भी आएगा, 3 वर्किंग डेज के अंदर आता है। तो आपको अब 3 वर्किंग डेज वेट करना है आपका, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, अब ये वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो गाइस मेरे केस में यहाँ पर देखिए 3 वर्किंग डेज का एसएमएस भी आ चुका है, आर टीम एंजेलवा ने रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स, अब रिव्यू करें वो डॉक्यूमेंट्स, 3 वर्किंग डेज आपको वेट करना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके में भी वैसे एसएमएस आ जाएगा, लेकिन मेरे केस में सेम डे पे देखिए मेरा यहाँ पर आ चुका है यूजर आईडी, आपको यहाँ पर सेम डे पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 3 वर्किंग डेज वेट कर लीजिएगा। अब यूजर आईडी आने का लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको एंजेलवा को दोबारा से ओपन करना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके मोबाइल नंबर डालना है जो आपने डाला था पहले, और ओटीपी डालना है। ओटीपी मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, देखिए क्रिएट पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको एक टफ सा रखना है जिसमें आपको अल्फाबेट न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर सब रखना है। न्यूमेरिक में 4-5 आता है और अल्फाबेट आपको पता ही, और स्पेशल कैरेक्टर डॉलर हैश ये सब डालने हैं आपको। फिर उसके बाद ये मांग रहा है ऑथेंटिकेशन फिंगर का, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, राइट साइड ऊपर स्किप का बटन बना हुआ उस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए गाइस ये आपका एंजेलवन का ऐप लॉगिन हो चुका है। अब चाहे आप लोग तो इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस जो मैंने 500 रुपए फ्री बोनस के लिए कहा था वो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट्स लगा देता हूं। आप लोगों को यहां पर लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड्स मिलने वाले हैं जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो में, और 500 रुपए का फ्री बोनस मिलेगा आप लोगों को ब्रोकरेज में ऑफ। आप लोग जितना ट्रेडिंग करके सब में ब्रोकरेज 500 रुपए अप टू का ऑफ मिलने वाला है आप लोगों को।